दिलल एंड टॉप क्विज शो। ये बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, सही जवाब है ये, सही जवाब। जैसे ही आप ये सुनते हैं ललन टॉप क्विज शो में, आपको लगता है कि ये जवाब मुझे पता था। अगर आपको पता है तो आप जवाब देने की बारी आपकी है, क्योंकि मैं खेलूंगा ललन टॉप क्विज लाइव ललन टॉप अड्डा पर तीनों दिन। आइए, आपका इंतजार है। ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में। हाय, आप देख रहे थे ललन टॉप। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 का ट्रेलर आया है यूट्यूब पर, दबा कर देखा जा रहा है। इस खबर के लिखे जाने तक ये ट्रेलर 30 घंटे में 2,20,00,000 लोग देख चुके थे। भाई ऐसा है कि भाई के जो फैंस हैं ना, इससे अच्छा जो उनको क्रिसमस गिफ्ट है वो मिल नहीं सकता। उन्हें लंबे समय बाद पुराना फुल ऑन मसाला सलमान खान देखने को मिलेगा। लेकिन इस ट्रेलर के साथ एक भारी दिक्कत है, इनफैक्ट एक नहीं दो दिक्कतें हैं, और इन बातों से सलमान खान फैंस काफ़ी निराश दिख रहे हैं। पहली चीज़ कि ट्रेलर में दिसंबर के जो स्पेलिंग हैं वो गलत लिखे हुए हैं। बाकी ट्रेलर में ये स्पेलिंग ठीक है, लेकिन लास्ट वाले क्रेडिट प्लेट में दिसंबर के स्पेलिंग लिखे हुए हैं। मतलब दिसंबर के जो स्पेलिंग होते हैं वो होते हैं DECEMBER, उसके बजाय लिखा हुआ है DECEMEBER, है ना। अब इसको प्रोनाउंस करके आप देख लीजिए। इस स्पेलिंग के बारे में सोशल मीडिया पर दो व्यूज चल रहे हैं। पहली बात तो ये है कि सलमान खान और दबंग 3 की पूरी टीम ट्रोल हो रही है। लोगों का मानना है कि भाई इतने बड़े बजट की सुपरस्टार की पिक्चर इतना मतलब मिस्टेक टाइपो अफोर्ड नहीं करती ना, इसे भारी लापरवाही कहा जा रहा है। दूसरी तरफ कट्टर सलमान खान फैंस हैं जिन्हें ये लग रहा है कि भाई दिसंबर की स्पेलिंग ट्रेलर में जानबूझकर गलत लिखी गई है, क्योंकि चुलबुल पांडे एकदम गवई आदमी है, उन्हें अंग्रेजी ज़्यादा आती वाती नहीं है। कैरेक्टर के साथ रेजोनेट करने के लिए मेकर्स ने ये कदम उठाया है। ट्रोलिंग और संभावनाओं के कुछ जो मिसालें हैं वो आपको हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये हैं सलमान खान के सच्चे फैन जिन्हें उनकी गलती भी प्रमोशन स्टेप लग रहा है। इसे तो कहते हैं ना प्यार। फिर आते हैं वो लोग जिन्हें सलमान खान तो पसंद है लेकिन उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको। दबंग 3 के प्रोड्यूसर वाले क्रेडिट प्लेट में अरबाज खान और निखिल द्विवेदी के साथ सलमा खान का नाम लिखा हुआ है। इस बारे में हमारे पाठक और दर्शक चिन्मय का मेल आया, उन्होंने हमारे ध्यान जो है दबंग 3 के प्रोड्यूसर प्लेट पर दिलाया और इस ट्रेलर में दिसंबर की स्पेलिंग के अलावा सलमान खान का नाम भी गलत लिखा हुआ है ये बताया। दरअसल वो सलमान खान का नहीं, उनकी मम्मी का नाम है सलमा खान। सलमान खान अपने प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स के तहत फिल्में अपनी माँ के नाम से प्रोड्यूस करते हैं, जैसे शाहरुख खान प्रोडक्शन जो उनका हाउस है रेड चिलीज, उसमें अपनी पत्नी का नाम लिखते हैं गौरी खान का। तो सलमान की मम्मी का जो नाम है वो असली वाला है सुशीला चरक, और उनका परिवार वैसे तो जम्मू से बिलोंग करता है लेकिन सुशीला महाराष्ट्र में ही पैदा हुई और पली बड़ी, और स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान से शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सलमा खान कर लिया। उन्हें पॉपुलर कल्चर में सलमा खान के नाम से ही जाना जाता है ज़्यादा। हमारा कहना यह है कि दबंग 3 में सिर्फ एक गलती है, दिसंबर की स्पेलिंग, बाकी चीज़ें अपनी जगह पर हैं। लेकिन सलमान खान जैसे मेगा स्टार की फिल्म होने के नाते दिसंबर वाली मिस्टेक भी कुछ कम छोटी तो नहीं है। बाकी आपका कुछ कहना है इस पूरी खबर को जानने के बाद तो ज़रूर लिखें। हमारा जो कमेंट सेक्शन है वो खुला हुआ है। एक सूचना है आपके लिए कि ललन टॉप अड्डा आ रहा है, दिल्ली में होने वाला है ये। इसकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है आपको हमारी जो डिस्क्रिप्शन है ना लिखी होती है वीडियो के नीचे, उसमें एक लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर रजिस्टर कराना पड़ेगा, पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप रजिस्टर करवाएंगे तभी आप कहानी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले पाएंगे, क्योंकि कहानी कॉम्पिटिशन में पार्ट लेकर आप 1,00,000 रुपये तक जीत सकते हैं अगर आपकी कहानी एकदम ललन टॉप हुई तो। तो जाइए फटाफट से डिस्क्रिप्शन के लिंक पे और मिलते हैं फिर वहाँ। आइए दिल्ली अगर हैं यहाँ तो, और अगर आप ट्रैवल करके आ सकते हैं तो ज़रूर आइएगा। शुक्रिया। कहानी किसी ने कही, बहुतों ने सुनी। क्या आपके पास कोई कहानी है, कहानी जो आपको लगता है कि पूरे मुल्क को सुननी चाहिए? ये कहानी आपको लखपति बना सकती है। ललन टॉप अड्डे पर आइए, मौके पर कहानी लिखिए और लाखों के इनाम जीतिए।
ललन टॉप अड्डा 1, 2 और 3 नवंबर को इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स नई दिल्ली में।